मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस ये देखिए नींबू हैं, मैंने इन्हें ना अच्छे से धो दिया था और धोने के बाद में इनको मैं धूप में सुखा दूंगी क्योंकि मुझे इन नींबू का बनाना है अचार। ये देखिए सुबह का टाइम है, गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं ब्रेड पकौड़े। बच्चों को भी मैंने लंच में ना आज यही ब्रेड पकौड़े दिए थे क्योंकि बच्चों की दो तीन दिन से डिमांड आ रही थी कि मम्मी ब्रेड पकौड़े बनाओ, और मैंने ब्रेड एक दिन पहले ही मंगा के रख लिए थे। और फ्रिज में ना आलू की सब्जी, आलू गाजर की सब्जी वगैरह मैश करके मैंने ब्रेड पकौड़े बना दिए। और ये देखिए डॉगी आ चुका है रोज की तरह ही, और अपने बिस्किट खाने के लिए, इसको ना रोज ही बिस्किट खाता है ये, और आप लोगों को तो पता ही होगा, एक दो बार मैंने पहले भी दिखाया आप लोगों को। मेरा ये पौधा है ना एलोवेरा, और इसमें ये देखो नीचे से ना एक ऐसे ऐसे निकली हुई है, ये कलियां खिली हुई हैं, पता नहीं क्या है ये, इसमें फूल लगेंगे ये क्या लगेगा। और मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है एलोवेरा में इस तरह से ये फूल, या तो इसके बीज होंगे एलोवेरा के इस तरीके के, बट मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है। ये बैंगन देखो ये फिर से लग गया है, बैंगन छोटे छोटे बैंगन फिर से लग चुके हैं मेरी छत पर। और ये देखिए ये भी लगा हुआ है, इसमें पानी लगेगा। और ये देखिए गेंदे के दिखा देती हूँ आपको एक बार फिर से, और ये देखिए गेंदे के ना, ये गेंदे के पौधे कितने बड़े हो चुके हैं। अब इनको ट्रांसफर करना था किसी और गमले में, अभी मैं कर नहीं रही हूँ इनको, अब इसी में लगे रहने दे। उनको सुखाने के लिए एक जुगाड़ लगाना पड़ेगा ना, ये जो ईट रख दी इधर ऐसे, ये ऐसे, फिर एक और ईट रख दी, ये थोड़ा ना, ये थोड़ी जाली है ना, तो इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो नीचे निकलता रहेगा इधर, और ये नींबू ना हमारे अच्छे से धूप लग जाएगी इनमें ना। कितने सुंदर लग रहे हैं ना, कितने मोटे मोटे नींबू है ना ये, और काफी रस है नींबू में, काफी बड़े बड़े हैं ये। तो ये ना नींबू तो मैं छत पे सुखाया आई थी, और नींबू के साथ मुझे याद आया कि मैंने परसों आधा किलो मिर्च भी ली थी अचार वाली, और वो मैं भी उनको भी मैंने धो दिया है। अभी मैंने जस्ट अपनी फ्रिज चेक करी थी, और ये वाली मिर्च मैं अचार वाली डालूंगी, और इनको भी मैं धूप में सुखा के आती हूँ ऊपर। और मैं अपनी किचन में आ चुकी हूँ, मैं बना रही हूँ सरसों का साग विद मत, सरसों का साग मक्के की रोटी बना रही हूँ। और ये ना ये आटा मंगाया था अभी चक्की से, 2 किलो आटा मंगाया था अभी, तो इसको छान के ना मैं साग में आलन लगाऊंगी। और साग पीस तो दिया था मैंने मिक्सी में, हल्का सा ग्राइंड कर दिया था दरदरा सा, और उसको चला के इसमें आलन लगा दूंगी। उसके बाद में इसमें तड़का लग जाएगा लहसुन का, और उसके बाद जो नींबू मैंने दिन में धो के सुखाए थे, नींबू और मिर्ची जो मैंने धो के सुखाए थे दिन में, और उनको काट के डब्बे में अचार डालने की कोशिश करूंगी। आज डल गया तो बट बारिश हो रही है घर में, कहाँ हो रही है बारिश, ऐसे तक मत करे, सैनिटाइजर ये किसी का कन्यादान, किसी लड़की की शादी है, दो लड़कियां हैं वहाँ शादी है ना, उनके कन्यादान में ये देना है ये साड़ी, तो ये पैक कर। अबे आवाज चुप रहे, ये देखो एक लड़की है, जैसे पहले हमसे पहले तो हम तेरी बहू लेके आएंगे पूरा बात पूरी कर लूं। तो ये किसी दो लड़कियों की शादी है ना, तो वहाँ कन्यादान के लिए साड़ियाँ पैक कर रहे हैं, इनमें चूड़ी का डब्बा और बिंदी का पत्ता, और ये साड़ियाँ हैं, और एक तो हमारे चांद नवाब पैक कर चुके हैं, और दूसरा भी इसी प्रकार मैं पैक करवा रही हूँ, ये मेरा फेवरेट है, हमें देना है। तो ये देखिए नींबू का अचार का प्रोसेस चल रहा है, और ये चॉपिंग मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे वो कर रहे हैं, ये देखो नींबू कितने अच्छे हैं, कितने बड़े बड़े नींबू हैं ना ये, इसमें ज्यादा मत भरना है ना, इतना डालना है इसको। और ये मम्मी मिर्च का अचार की तैयारी कर रही है, तो ये मैं ना मिर्ची का अचार डाल रही हूँ, तो मैंने उसके लिए ना इसमें ले ली है अदरक कूटने वाले में राई और सौंफ ले लिया मैंने, अंदाजे से ले लो जितनी आपकी मिर्च है, आधा किलो मेरी मिर्च है उसी हिसाब से मैंने ले लिया है, बट ये इसमें कूटी नहीं थी, काफ़ी टाइम लग रहा था, फिर मैंने लास्ट में मिक्सी जार का ही मतलब यूज़ किया था, और ये इसमें नहीं कूटी थी, तो ये फाइनली हमारी
ज़्यादा बारीक नहीं करना है हमको मसाला, हल्का सा मतलब दरदरा सा रखना है। और इसमें मैंने ना 1.5 चम्मच नमक डाल दिया है, हल्दी पाउडर डाल दिया है, और इसको अच्छे से मिला लेंगे इसको मसाले में। और ये ऑयल डाल दिया है सरसों का कच्चा, और कुछ लोग मतलब नई तरीके से डालते हैं बट मुझे ऐसे ही पसंद है। इससे ना इसका सरसों के तेल का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। कुछ लोग ना तेल को मतलब गर्म करके भी डालते हैं इसमें। और ये देखिए हमारा मिर्ची का अचार बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। ये वाला अचार खाने में ना काफ़ी टेस्टी लगता है, और क्रंची क्रंची ये अचार पसंद है। 1-2 दिन का होने के बाद में ही इसको जस्ट खाना खाने लग जाए तो काफ़ी टेस्टी लगता है। और मैं तो ना जब यह अचार बना था उसी दिन खाना स्टार्ट कर दिया था, कल डाला था मैंने, कल ही खाना स्टार्ट कर दिया। और ये मेरे नींबू भी कट चुके थे, नींबू कटने के बाद में मैंने नमक डाला है मैंने इसमें 4 से 5 चम्मच भरकर, और 2 चम्मच मैंने बड़ी भरकर इसमें अजवाइन डाला है। और इसको 1 हफ्ते के लिए ना हमको धूप में रखना है, ये ना जार है। और नींबू का अचार आप लोग डालें तो हो सके मतलब कांच के जार में डालें, क्योंकि कांच के जार में ना काफ़ी अच्छे तरीके से लंबे टाइम तक चलता है आपका अचार। और इसको हम हिला लेंगे, और अभी हम इसमें बाकी के मसाले नहीं डालेंगे। 1 हफ्ते बाद जब मैं नेक्स्ट वाला ब्लॉग बनाऊँगी जब मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये नमक और अजवाइन इसमें अच्छे से मिल गई है। खुल गई तेरी पगड़ी, बाहुबली बन गई, देखो मेरी पगड़ी। अरे मुझे लग रही ठंड, बच्चे सोए नहीं है ना, इतना तंग कर रहे हैं। तो मैं ना मक्के की रोटी बना रही हूँ अभी फिलहाल, अभी बाकी सब ने खाना खा लिया है, हम लोगों ने खाना नहीं खाया है। तो अभी मैं ये आटा लगा लूंगी, उसके बाद मैं मक्के की रोटी बनाऊंगी, और ये साग हमारा गर्म हो रहा है तो आप लोगों को भी खिलाऊंगी। अचार मेरा डल चुका है नींबू का, अभी तो उसमें नमक और अजवाइन डाल के रखा है। 1 हफ्ते बाद उसमें बाकी के मसाले डलेंगे जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये मक्के का आटा मैंने छान लिया था और इसको गूंथ रही हूँ। इस आटे को ना हल्के मतलब गुनगुने से पानी से गूंथना होता है, और हथेलियों की मदद से जितना आप इस आटे में लोच लगाएंगे ना उतना ही आपका आटा सॉफ्ट और अच्छा गूंथेगा, और आपकी रोटियाँ भी उतनी ही अच्छी बनेंगी। तो इन रोटियों में ना सबसे बड़ी बात ये है ना, तो ये मैं इस तरह से बनाती हूँ। पहले तो उंगलियों से इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, फिर हथेली की मदद से थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेती हूँ, और ये तवे पे डाल दो, और चाकू से पलटती है रोटी, हाथ से मतलब डायरेक्ट नहीं पलटेगी आपकी, जैसे कि गेहूं की रोटी बनाते हो ना उस तरीके से रोटी आपकी नहीं पलटेगी। काफ़ी डिफ़िकल्ट है इस रोटी को बनाना, और सारी रोटियाँ नहीं फूलती हैं इसमें, इक्का दुक्का रोटी फूल जाती है। तो मेरा बेटा ना मेरे से पीछे बोल रहा है अंशु कि मम्मी आपकी रोटी नहीं फूलेगी। मैं भी बोल रही हूँ बेटा देखते हैं फूलेगी या नहीं फूलेगी। ये देखिए मेरी रोटी फूल चुकी है, ये चैलेंज रख रहा था मेरे से 20 करोड़ रुपए दूंगा अगर एक रोटी फूल गई तो। अब मैं बोल रही हूँ उससे ला बेटा 20 करोड़ रुपये दे तू मुझे, मैंने 1 रोटी फुला दी है। तो ये हमारी रोटियाँ गर्मा गर्म बन के तैयार हो चुकी हैं, और ये हमारे चांद नवाब भी कुछ पीछे बोल रहे हैं कि 20 करोड़ उसके पास खुद के लिए नहीं है, अभी तो वो स्कूल ही जाता है ना कि कोई जॉब कर रहा है। और ये देखिए गर्मा गर्म साग डल चुका है कटोरी में, और ये मक्के की रोटी है, और साग में डाल दिया मैंने घी, तो काफ़ी यम्मी टेस्टी सा खाना आपका तैयार हो चुका है, वो भी देसी वाला। और ये हमारे गांव का सिरका था, इसमें मिर्ची और मैंने मिर्ची हैं, तो ये ऑर्गेनिक तरीके से बनाया जाता है ये सिरका। तो आ जाइएगा गाइस खा लीजिएगा सरसों का साग विद मक्के की रोटी और सिरके वाली मिर्च।